हेलो एवरीवन, दिस इज सीए प्राजक्ता मोंढे। होप आप सब लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही हैं फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। एज वी आर इन द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग द रिविजनरी सेशंस फॉर द एग्जामिनेशन, इन दिस लेक्चर आई एम डिस्कसिंग अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टैक्सेशन, दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स। नाउ वी हैव डिस्कस्ड वेरियस टॉपिक्स, हेड्स ऑफ इनकम, TDS, TCS, equalization levy, another like certain topics which are relevant for both inter and final, certain topics which are relevant only for CA final syllabus. Now, both for CA inter and CA final, the first chapter, the first question that is asked in the examination is relating to computation of total income and tax liability. So, in case of CA inter's students, mostly it is based on individual assessees, and for final स्टूडेंट्स इट इज बेस्ड ऑन कंपनी असेसीज, राइट? बट द कॉन्सेप्ट इज सेम कि आपको पूरे उस असेसी की टोटल इनकम निकालनी होती है एंड अकॉर्डिंगली उस टोटल इनकम के हिसाब से उसका टैक्स कैलकुलेट करना होता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो जो कॉन्सेप्ट हम अलग अलग पढ़ते हैं कि पीजीबीपी हेड में कौन से एडजस्टमेंट्स होते हैं, कैपिटल गेन हेड में क्या क्या एडजस्टमेंट्स होते हैं, हमारे अदर सोर्सेज में क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं, डिडक्शंस क्या है, टीडीएस क्या है, एक्सेट्रा, उन सबको एक साथ कंबाइन करके किसी भी असेसी की पूरी इनकम कैसे कंप्यूट होगी प्लस उसमें टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो आई एम रिलीजिंग दिस इन टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट, दिस पार्ट आई विल बी कवरिंग द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स रेट्स इन जनरल। सो आई विल कवर द टैक्स रेट्स फॉर एवरी कैटेगरीज ऑफ असेसी, दैट मीन्स इट विल बी एलिजिबल, दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर बोथ इंटर एंड फाइनल स्टूडेंट्स। एंड द सेकेंड पार्ट विल बी फोकस्ड ओनली ऑन कंपनी असेसी, सो दैट विल बी ओनली फॉर द सीए फाइनल स्टूडेंट्स, बिकॉज इंटर में कंपनी असेसीज उतना डिटेल में आप लोगों को नहीं है, ठीक है? सो दैट सेशन आई विल बी कवरिंग ओनली द टैक्सेशन ऑफ कंपनीज, इन दिस आई एम कवरिंग द ओवरऑल, राइट? ओके, सो लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, वॉट इज द जनरल फॉर्मेट और प्रोसेस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ये दिमाग में रहना बहुत जरूरी है ताकि हम उस एग्जामिनेशन में हम उस क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व कर सकें। सो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम क्या बोला है आपको? सो फर्स्ट स्टेप फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ एनी असेसी, वेदर इट इज एन इंडिविजुअल और अ फर्म और अ कंपनी, यू हैव टू डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस। Now, what is residential status? Again, I have already released another video on revision of residential status and how to determine residential status. In a lot of cases, in case of individuals, it has been seen कि question में आपको पहले number of days और इस सब की information दी हुई होती है कि आप पहले residential status calculate करो और फिर रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे आप कैलकुलेट करो कि इसकी इनकम कितनी होनी चाहिए। सो रेसिडेंशियल स्टेटस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाई इट इज द फर्स्ट स्टेप? क्योंकि हम लोग जानते हैं डिपेंडिंग कि उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, उसकी इनकम डिसाइड होगी। मतलब इंडिया के बाहर की इनकम उसके हाथ में टैक्सेबल है कि नहीं है, ये किस पे डिपेंड करेगा कि वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू चेक इज व्हाट इज द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ दैट असेसी, देन व्हाट एवर इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर असेसी हैज टू बी क्लासिफाइड इन द फाइव हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। इनमें आपको उसको क्लासिफाई करना है। हर हेड ऑफ इनकम के अपने अलग चार्जेबिलिटी प्रोविजंस हैं, हर हेड ऑफ इनकम के अपने अलग एप्लीकेबल डिडक्शंस, अलाउबिलिटी, डिसअलाउबिलिटी है। अकॉर्डिंगली आपको उस पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करना है। द मोस्ट कॉमन वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस इज कि आपको एक बिजनेसमैन का प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ होता है, उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं, उसने क्या क्या चीजें ऐड करी हैं, क्या क्या ऐड नहीं करी हैं, वो सब गिवन होता है। एंड अकॉर्डिंगली उसके बेसिस पर आपको कैलकुलेट करना होता है कि उसकी टोटल इनकम कितनी रहेगी। सो आप बेसिकली क्या करते हो, आपका जो जो बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस है उसको उधर ही रहने देते हो, और अगर सपोज P&L में कोई कैपिटल गेन नेचर की इनकम है तो आप उसको यहाँ से बाहर करके कैपिटल गेन में टैक्सेबल कर दोगे। या कोई एग्जेम्प्ट इनकम है, सपोज आपकी कोई एग्रीकल्चरल इनकम है जो कि पीजीबीपी में क्रेडिट में दिख रही है, या कोई भी दूसरी इनकम है जो एग्जेम्प्ट है बट पीजीबीपी के क्रेडिट में दिख रही है, तो वहां से हटा के नोट डाल देंगे कि दिस इनकम इज एग्जेम्प्ट अंडर दिस दिस प्रोविजन एंड देयरफॉर इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दी टोटल इनकम। सो बेसिकली व्हाट यू आर सपोज टू डू, जो भी उसकी अलग अलग इनकम है उसको प्रॉपरली आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हर हेड में ले जा करके आपको सारे हेड्स की इनकम कैलकुलेट करनी है। कैपिटल गेन, पीजीबीपी, अदर सोर्सेस फॉर्म द मोस्ट इंपॉर्टेंट
base of the heads of income and most importantly PGBP and capital gain. Again, I have released separate videos for the revisions. I will share the link along with this video. कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, हर एक हेड में इनकम निकाल ली. अब आपको लगाने हैं क्लबिंग प्रोविजंस. सो किसी माइनर की इनकम अगर दे रखी है तो वो ऐड हो जाएगी. देन अगर आपको लेट से स्पाउस वाला क्लबिंग हो रहा है, वॉट एवर क्लबिंग इज देयर, यू कैन यू हैव टू ऐड. कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस, वॉट एवर लॉसेस एज पर द प्रोविजंस ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ, यू विल हैव टू कैलकुलेट दैट लॉस. तो अगर आपका सपोज दो हाउस प्रॉपर्टी है, एक में लॉस है एक में प्रॉफिट है, एक एसओपी है मान लो, एक डीएलओ है, सो या एक लेट आउट है, एक एसओपी है, वॉट एवर, एंड उसमें लॉस है प्रॉफिट है, तो उसको एडजस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कितना अमाउंट कर सकते हैं, बिजनेस लॉस किससे एडजस्ट होगा, अगर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है तो क्या करना है, ऑल दोज थिंग्स यू विल कंसिडर. सो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के जो रूल्स है, अगेन देर इज अ सेपरेट वीडियो ऑन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, आई विल शेयर द लिंक सो यू कैन हैव अ क्विक रिविजन ऑफ दैट चैप्टर एज वेल, कि कौन से लॉसेस में इंटर सोर्स सेट ऑफ अलाउड है नहीं है, इंटर हेड अलाउड है नहीं है, एंड अकॉर्डिंगली आपका फाइनल इनकम कितनी आएगी. नाउ अगेन जस्ट अ स्मॉल टिप फॉर कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस, ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर व्हाट इज नॉट अलाउड. कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस को हमेशा उल्टे तरीके से याद करो, नेगेटिव तरीके से. नेगेटिव तरीके से मतलब कि हम क्या नहीं कर सकते, तो कौन सा लॉस कौन से लॉस से सेट ऑफ नहीं हो सकता ये ध्यान रखो, बाकी सब कुछ अलाउड है. सो इट बिकम्स ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम. ठीक है, सो पहली चीज हो गई कि आप क्लबिंग करोगे, दूसरा हो गया सेट ऑफ लॉस कैरी फॉरवर्ड वगैरह करोगे, एंड देन अकॉर्डिंगली यू रीच टू द ग्रॉस टोटल इनकम. ये सब करके जो इनकम निकलती है उसको क्या बोलते हैं हम, ग्रॉस टोटल इनकम. नाउ व्हेन यू हैव कैलकुलेटेड द ग्रॉस टोटल इनकम, यू विल बी रिड्यूसिंग द डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A. व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिविजुअल असेसेस, मोस्टली एग्जामिनेशन में आपको ATC, ATD, ATE इन सब के ऊपर क्वेश्चंस रहा करेंगे. व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट आर कंपनी असेसेस, तो आपको इसमें डिडक्शंस आपको प्रॉफिट बेस्ड जैसे स्टार्टअप वाले या ATJJAA इनके ऊपर डिडक्शंस आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, बट दीज आर द डिडक्शंस दैट आर अप्लीकेबल. और अगेन ATJJAA जरूरी नहीं कि कंपनी कोई हो, इंडिविजुअल को भी हो सकता है, सो पूछ तो वो कुछ भी सकते हैं, बट जो जनरल पिछले अटेम्प्ट से देखा गया उस बेसिस पे आई एम गिविंग यू जस्ट एन ब्रीफ ओवरव्यू. And lastly, you get onto the total income, that is the taxable income. Okay. Now, once you have reached the taxable income, your taxable income can further be divided into two parts. First is your special rate income. स्पेशल रेट इनकम मतलब ऐसी इनकम जिसके ऊपर आपका एक स्पेशल रेट लगेगा, जैसे लॉटरी इनकम. तो सपोज अगर किसी व्यक्ति के P&L में लॉटरी इनकम दिख रही है क्रेडिट में, तो आप उसको क्या करोगे, PGBP से हटा के अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर दोगे. और लॉटरी इनकम दिख रही है मान लो ग्रॉस इज 18,000 लेट्स से, तो व्हाट यू विल बी कैलकुलेटिंग, इसके ऊपर फ्लैट 30% है ना, 18,000. लॉटरी इनकम पे कोई बेसिक एग्जेम्प्शन नहीं मिलेगा, कोई आपको चैप्टर 6 से नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा. तो जो भी आपकी टोटल इनकम है उसमें से आपको स्पेशल रेट इनकम्स अलग करनी है, जैसे ये हो गया कैपिटल गेन इनकम हो गई तुम्हारा है ना, 111A, 112 है, उनके ऊपर उन रेट से टैक्स लगाना है, और जो जनरल रेट है बाकी की इनकम के ऊपर आपको जनरल रेट से टैक्स कैलकुलेट करना है. सो व्हाट एवर द जनरल रेट इज दैट डिपेंड्स कि असेसी किस कैटेगरी में आता है. जनरल रेट अगर इंडिविजुअल है तो क्या होगा, कंपनी है तो अलग होगा है ना, HUF है तो अलग हो सकता है, फर्म है तो अलग हो सकता है, LLP फर्म. सो अकॉर्डिंगली आपका जो भी कैटेगरी ऑफ असेसी है आप उसको वो पर्टिकुलर रेट से टैक्स करोगे, दोनों को ऐड करोगे, एंड देन अकॉर्डिंगली यू विल कैलकुलेट द फर्दर प्रोसेस. सो दैट इज हाउ यू हैव द होल प्रोसेस इन योर हैंड. The first thing which we need to understand is that as per the relevant provisions of the Act, हमारे लिए दो regimes चलाई गई हैं. Now in this lecture, as I told you already, we will be focusing more on the individual part and company I'll be releasing in the second part. So दो regimes हैं. हरी मोस्टली हरी कैटेगरी ऑफ असेसी में, मतलब आपका इंडिविजुअल हो गया, कंपनी हो गया, आपको दो regimes दिए गए हैं. अगर आप ओल्ड रेजिम में जाते हो तो आपके डिडक्शंस अलाउड है, बेनिफिट्स अलाउड है, और टैक्स रेट थोड़ा सा हाई है. और अगर आप न्यू रेजिम में जाते हो तो आपको डिडक्शंस ब्लॉक्ड हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स ब्लॉक्ड हैं, लेकिन आपका रेट जो है वो कंपैरेटिवली कम है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड वॉट आर दीज टू रेजिम्स, वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू रेजिम्स, एंड देन वी विल डिस्कस द टैक्स रेट्स ऑफ दीज रेजिम्स, how to calculate the tax,
What are the tax rates applicable and basis that how will you compute the full tax liability? So let us first discuss that how do you calculate income basis the old and the new regime. Now, when you are talking about your computation of total income, आपकी income computation, carry forward of set off of losses, deductions, everything gets affected basis that whether you are opting for the new regime or not. In case of the individual assessees, the new regime, that is 115 BAC, is now the default regime. So now onwards, when you are giving an examination, आपके लिए जो 115 BAC है वो आपका डिफॉल्ट रेजिम माना जाएगा. ठीक है, नाउ व्हेन यू से डिफॉल्ट रेजिम का मतलब क्या हो गया? अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको उसी रेट से क्या करना पड़ेगा, टैक्स निकालना पड़ेगा. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू रेजिम. सो द फर्स्ट पार्ट दैट वी आर डिस्कसिंग इज सेक्शन 115 BAC, दैट इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल HUF एंड अदर कैटेगरीज ऑफ असेसीज, कंपनीज के लिए नहीं है. कैसे आप कैलकुलेट करोगे एंड हाउ विल यू बी कंप्यूटिंग द इनकम एंड द टैक्स इज व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग. चलो नाउ द डिडक्शंस दैट आर ब्लॉक्ड आई विल बी कवरिंग देम हेड वाइज, ताकि आप लोगों को इजी पड़ेगा कि कौन से हेड में कौन सी चीजें ब्लॉक्ड हैं, उस ऑर्डर से अगर हम चलेंगे तो हम लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी, है ना. सो लेट अस स्टार्ट दैट व्हाट ऑल डिडक्शंस आर अलाउड एंड व्हाट ऑल डिडक्शंस आर ब्लॉक्ड व्हेनेवर यू आर कंप्यूटिंग द इनकम अंडर द अल्टरनेटिव रेजिम, दैट इज 115 BAC. 115 BAC इज बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर टू गिव अ रिलैक्सेशन इन द टैक्स रेंज. तो जिन लोगों के लिए ये सारे डिडक्शंस बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, उन लोगों के लिए एक तरीके से बेनिफिट है कि वो अपना टैक्स काफी हद तक बचा सकते हैं. अगर वो लोग इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, इन सब बेनिफिट्स को नहीं क्लेम कर रहे, तो काफी हद तक उनका टैक्स सेव हो जाएगा. बट देन अगेन यू नीड टू चेक वेदर दिस इज बेनिफिशियल और नॉट. इन अ लॉट ऑफ केसेस एग्जामिनेशन में आपको वैसा क्वेश्चन आता है कि सजेस्ट, आप क्या सजेस्ट करोगे आपके असेसी को, आपके असेसी को आप क्या सजेस्ट करोगे कि भैया तुमको ओल्ड रेजिम में जाना चाहिए कि न्यू रेजिम में जाना चाहिए. अकॉर्डिंगली आपको दोनों में डिफरेंस पता होना जरूरी है. सो व्हाट आर द कंडीशंस, सर्टेन डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस व्हिच आर नॉट अलाउबल. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड 115 BAC अप्लीकेबल किस किस पर है. तो एज आई टोल्ड यू, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन सबके ऊपर 115 BAC अप्लीकेबल है. 115 BAC जो है वो ऑप्शनल, मतलब अब डिफॉल्ट रेजिम हो चुकी है, तो बाय डिफॉल्ट हर कोई इसमें जा चुका है. अगर आपको रेगुलर में करना है तो आपको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा. ठीक है, सर्टन डिडक्शंस एग्जेम्पशंस नॉट अलाउबल. सेक्शन 115 BAC प्रोवाइड्स दैट व्हाइल कंप्यूटिंग टोटल इनकम द फॉलोइंग डिडक्शंस वुड नॉट बी अलाउबल. सेक्शन 10(5) लीव ट्रैवल कंसेशन का डिडक्शन नहीं मिलेगा, HRA का बेनिफिट नहीं मिलेगा, सर्टन स्पेशल अलाउंसेस जो हम लोग पढ़ते हैं सैलरी हेड में उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, MLA कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जो डेली अलाउंसेस मिलते हैं यू कैनॉट क्लेम दोज डिडक्शंस. इन केस ऑफ माइनर, मैंने बताया ना माइनर की क्लबिंग, तो माइनर की क्लबिंग में 1500 पर चाइल्ड का एक बेनिफिट होता है, वो नहीं मिलेगा अगर आप न्यू रेजिम में चले जाते हो, मतलब 115 BAC में डिफॉल्ट रेजिम में जाते हो. SEZ टैक्स हॉलीडे, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रॉफिट्स 100%, 50% जो एग्जेम्पशन होती है नहीं मिलेगा. 16 मतलब आपका जो सैलरी हेड है उसमें जो तीन डिडक्शंस होते हैं उनमें से सिर्फ एक आपको अलाउड है. सो स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अलाउड बोथ इन द न्यू एंड द ओल्ड रेजिम. हाउएवर जो बाकी के दोनों डिडक्शंस हैं, एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्सेस, ब्लॉक इन द न्यू रेजिम. ओके, 32-1-2 है, दैट इज एडिशनल एप्रिसिएशन. न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे जो 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट मिलता है वो नहीं मिलेगा. सिमिलरली कीप वन थिंग मोर इन माइंड, हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा होता है एडिशनल एप्रिसिएशन में कि लेस देन 180 डेज में 10% इस साल और बाकी का 10% अगले साल. ये एडिशनल 10% भी आपको नहीं मिलेगा अगर आप न्यू रेजिम में चले जाते हो. तो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्पेसिफाइड फंड्स, तो अगर साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड है, आपने किसी यूनिवर्सिटी को या किसी इंडियन कंपनी या IIT इन लोगों में से किसी को पेमेंट किया है, जो डिडक्शन अलाउबल होता है दैट विल बी ब्लॉक्ड. अगेन इफ यू हैव 35AD बेनिफिट, इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स जो है, कोल्ड स्टोरेज फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, वेयर हाउस, या फिर तुम्हारा होटल है ना 2-star और अबव होटल, 100 बेड्स का हॉस्पिटल,
ये जो सारे हम लोगों ने पढ़े थे, इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शन, 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अलाउड एज अ डिडक्शन, विल अगेन नॉट बी अलाउड इन द न्यू रेजिम. लास्टली 80C टू 80U, ऑल द डिडक्शंस इन द चैप्टर 6A आर ब्लॉक्ड. अदर देन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस दैट इज 80CCD2 एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अग्निपथ, इसको छोड़ करके और 80JJAA को छोड़ करके आपके बाकी के सारे डिडक्शंस जो है वो ब्लॉक्ड हैं. तो आपके LIC प्रीमियम और ये सब कुछ जो है वो सब नए रेजिम वालों को अलाउड नहीं रहेगा. इन सेक्शन से रिलेटेड अगर कोई पुराना लॉस कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा है तो वो भी आगे आप नहीं ले जा सकते. जो मैंने बोला आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन वाला एग्जाम्पल दिया, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी भी दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकता इन केस यू आर फॉलोइंग द ऑप्शनल रेजिम. तो अगर हम रेगुलर रेजिम में है, मतलब ओल्ड रेजिम में है, तो ओल्ड रेजिम में ये होता है कि हाउस प्रॉपर्टी लॉस जो है वो मैक्सिमम इंटर हेड सेट ऑफ कैन बी अप टू 2 लाख ओनली. मतलब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अगर सैलरी से सेट ऑफ करना है तो ज्यादा से ज्यादा 2 लाख तक ही कर सकते हो. लेकिन यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया. उन्होंने बोला भैया हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हाउस प्रॉपर्टी से सेट ऑफ करो, किसी भी दूसरे हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा. सो दिस हैज टू बी केप्ट इन माइंड वेन एवर यू आर कैलकुलेटिंग द टैक्स एज पर द न्यू रेजिम. सो ये आपको अलाउबल नहीं रहेंगे बेनिफिट्स. ऑप्शंस क्या है, तो जैसा पीजीबीपी एसएससी के लिए बोला गया, इफ यू हैव इनकम अंडर द हेड ऑफ बिजनेस इनकम दैट इज पीजीबीपी, तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है. जो आप एक बार चूज करोगे वही आपको हर बार चूज करना पड़ेगा. एंड एसएससी नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, मतलब हम अगर सैलरीड इंडिविजुअल्स की बात करें या अदर इनकम पेंशनर्स वगैरह है, तो उन लोगों के लिए हर साल वो अपना ऑप्शन इन आउट कर सकते हैं. वॉट एवर इज बेनिफिशियल टू देम, इंडिविजुअल एचएएफ एओबी बीओ आर्थिक जुडिशियल पर्सन सब लोग, बिफोर फाइलिंग द रिटर्न दैट इज 139(1) के अंदर, ड्यू डेट के अंदर आपको सिलेक्ट कर लेना है, एक्सरसाइज कर लेना है कि आपको ओल्ड में जाना है या फिर न्यू में जाना है. अगर नहीं ऑप्ट आउट करते हो तो बाय डिफॉल्ट किस में रहोगे, बीएससी. तो वहां पर एक रिटर्न फाइलिंग में टिक आता है वेदर यू आर ऑप्टिंग फॉर वन बाय बीएससी और नॉट, या इस बार ऑप्टिंग आउट के हिसाब से सोचो. तो अगर आप उस पर नहीं टिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपका जो कैलकुलेशन होके आएगा वो आपके 115 बीएससी के स्लैब से होगा. ये एक बहुत मेजर चेंज है इस साल से. अभी तक क्या होता था, लास्ट ईयर में आपको 115 बीएससी के लिए ऑप्ट इन करना पड़ता था. तो अगर आप नहीं करते हो तो पुराने रेट से कैलकुलेशन हो जाएगी बाय डिफॉल्ट. अभी उल्टा हो गया है, एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन साइलेंट है लिख दो कि एज द क्वेश्चन इज साइलेंट डिफॉल्ट रेजिम शैल बी एप्लीकेबल एंड देयरफॉर हमने डिफॉल्ट रेजिम के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट किया है. सिमिलरली अगर बिजनेस प्रोफेशन से इनकम है तो फिर आपका एक बार जो आप डिसाइड कर लोगे वही ईयर आफ्टर ईयर चलेगा, आप बार बार उसको चेंज नहीं कर सकते हो. AMT इज नॉट एप्लीकेबल. AMT अगेन आई हैव रिलीज्ड अ सेपरेट वीडियो ऑन AMT, सो आई विल शेयर द लिंक अलोंग विद दिस लेक्चर. एक स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ असेसीज के ऊपर AMT लगता है. तो अगर आप इनकम बेस्ड डिडक्शन ले रहे हो या फिर अगर आप 35AD का डिडक्शन ले रहे हो, ऐसा कुछ अगर आप बेनिफिट ले रहे हो और अपनी टैक्स लाइबिलिटी कम कर रहे हो, ऐसे लोगों को टैक्स टैक्स रडार में लाने के लिए AMT करके एक अलग से रेजिम जो है वो शुरू किया गया था. AMT विल नॉट बी अट्रैक्टेड अगर आप 115 बीएससी में चले जाते हो तो. नाउ देर आर अ लॉट ऑफ टाइम्स वेर यू हैव अ क्वेश्चन, आपको पूरा केस दिया हुआ होता है और आपको सिर्फ इतना लिखा हुआ होता है कि कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑप्टिमाइजिंग हिज टैक्सेशन, या फिर कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी दैट रिड्यूसेस द टैक्स अमाउंट टू द मैक्सिमम एक्सटेंट. सी टैक्स प्लानिंग इज नेवर रॉन्ग. आपका टैक्स अगर आप सही तरीकों से बचा रहे हो, आपको ऑप्शन दिया है उन्होंने, है ना, कि आप ओल्ड में जाना चाहते हो कि न्यू में जाना चाहते हो, तो इसमें अगर आप अपने हिसाब से चूज करते हो कि यार मेरे को इसमें बेनिफिट ज्यादा है तो मैं इधर जाऊंगा, तो वो कोई टैक्स इवेजन या टैक्स अवॉइडेंस नहीं है. सो टैक्स लायबिलिटी कम से कम निकालना, ये कहीं ना कहीं हमारा एक असेसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इफिशियंटली हमारे रिसोर्सेस को यूज करें. और अननेसेसरी टैक्स दो ऐसा सरकार भी नहीं बोल रही है, वो भी बोल रही है प्लानिंग करके दो, अपने हिसाब से चूज करो, जो आपको सही लगे वो करो, बट पे करो, ईमानदारी से पे करो. सो हाउ क्वेश्चन इज फ्रेम्ड, इट जस्ट मेंशंस, आपको पूरा डिटेल दे रखा है, आपको सिर्फ बोला है कि कैलकुलेट टैक्स एज द टैक्स इज द मिनिमम लीस्ट टैक्स. ठीक है, तो अब ऐसे पर्टिकुलर केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले तो ये चेक करना है क्वेश्चन में ओल्ड न्यू की कुछ बात हो रही है क्या. अगर क्लियरली दिया है तो बात ही खत्म हो जाती है. ओल्ड में अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो फिर आपको ध्यान रखना है जनरल का जो है वो तो है ही सही,
उसके अलावा एएमटी प्रोविजंस में एप्लीकेबल, दैट इज यू आर सपोज टू चेक वंस कि एएमटी लग तो नहीं रहा है, और अगर एएमटी लगता है तो वो हमने एएमटी के कॉन्सेप्ट में पढ़ा भी हुआ है कि विच एवर इज हायर इज अप्लीकेबल, दैट मीन्स एएमटी इज द टैक्स विच इज पेएबल। अगर आप न्यू रेजिम में चले जा रहे हो, मतलब अगर बीएससी में जा रहे हो, तो वैसे ही मैट से क्या है आपको, आप बाहर हो, सो सॉरी एएमटी से आप बाहर हो, सो एएमटी आपके ऊपर लगेगा ही नहीं, एएमटी लगेगा ही नहीं तो बात ही खत्म हो गई। सो 115 बीएससी आप टैक्स कैलकुलेट करके खत्म कर दोगे। सो व्हेन यू आर कंसिडरिंग दैट वेदर ओल्ड शुड बी चोजन और न्यू, तो ओल्ड में आपको 115 बीएससी में एएमटी का इम्पैक्ट भी चेक कर लेना है, जो हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हाँ ठीक है एएमटी तो क्या, बट अगर एग्जाम में कुछ भी ऐसा दिखता है कि 35 AD का डिडक्शन है, या फिर आपको कुछ 80 IAIB ऐसा कुछ डिडक्शन आपको मिलता है जो कि एएमटी में कंसिडर्ड है, तो फिर अकॉर्डिंगली आपको दोनों तरीकों से कैलकुलेशन करना है। तो एक तरीके से अगर इसमें सजेशन लेना, तो तीन कैलकुलेशन हो गए, ओल्ड में रेगुलर और एएमटी, और न्यू में जो न्यू रेट है वो, विच एवर इज द मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन दैट विल बी सिलेक्टेड, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द टोटल इनकम। ठीक है, तो कैसे करना है वो हमने समझा, ओल्ड है न्यू है। सिमिलर रेजिम्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड फॉर कंपनी एसएससीज एज वेल। कंसेप्ट सारे ऑल्टरनेटिव रेजीम्स का सिमिलर है, तुम हमें कुछ दो हम तुम्हें कुछ देंगे, तो तुम हमें हमारे डिडक्शंस दे दो, ब्लॉक डिडक्शंस हम ब्लॉक कर देंगे, और तुमको टैक्स में क्या दे देंगे, रिलैक्सेशन दे देंगे, टैक्स रेट को कम कर देंगे। सो कॉन्सेप्ट सबका सेम है, लेकिन ऑब्वियसली इंडिविजुअल्स में कोई चीज अलग हो सकती है, कंपनी में कोई चीज अलग हो सकती है, सो वो रिस्पेक्टिव हम सेक्शंस पढ़ेंगे। बट अभी हमने 115 बीएससी पढ़ लिया, जो इंडिविजुअल एचएफ एओपी वीओआर और आर्टिफिशियल पर्सन के ऊपर अप्लीकेबल है। टॉकिंग अबाउट द टैक्स, नाउ व्हेन यू आर कंप्यूटिंग टैक्स, टैक्स कंप्यूटेशन के स्टेप्स पहले समझ लो। बहुत बार मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती करते हैं, फुल क्वेश्चन में हो सकता है अराउंड 3 से 4 मार्क सिर्फ टैक्स कैलकुलेशन के भी हो, वो आपको ऐसा कोई टैक्स कैलकुलेशन दे जो थोड़ा लेंदी हो कि स्पेशल रेट इनकम भी डाल दिया है ना, फिर उसमें जनरल रेट में भी उन्होंने बोल दिया कि और कंपेयर करो कि पुराने में ज्यादा है नए में ज्यादा है वॉट एवर, बट हो सकता है कि वो टैक्स कंप्यूटेशन को थोड़ा फोकस करके 4-1 मार्क तक का जो आपका पूरा क्वेश्चन आएगा उसमें से वो ये बोले कि भाई 4 मार्क का तो हम टैक्स कंप्यूटेशन ही पूछ रहे हैं। एडजस्टमेंट हो सकता है कम हो, बट टैक्स कंप्यूटेशन ट्रिकी है। व्हाट इज द स्टेप्स, हाउ डू यू कैलकुलेट टैक्स? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बाइफरगेट इन द स्पेशल रेट एंड जनरल रेट एंड डिसाइड विच रेट इज टू बी एप्लीकेबल। ठीक है, तो पहले तो इनकम को आपने बांट दिया, स्पेशल रेट में तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, वो तो पुराने रेट चले आ रहे, 12% आपका वट एवर इट इज, 12%, 15%, 20%, वट एवर द स्पेशल रेट इज दैट वो आपका चला आ रहा है ना। स्पेशल रेट के बाद जो आपका जनरल रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, कि आपने 115 बीएससी ऑप्ट किया है या फिर 115 बीएससी आपने ऑप्ट नहीं किया है। सो व्हाट आर द जनरल रेट्स, इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर 115 बीएससी देन यू आर योर रेट इज अ बिट रिलैक्स्ड, सो 0 से लेके 3 लाख तक आपका टैक्स विल बी निल। देन 3-3 लाख के स्लैब्स है, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, एंड देन 12 to 15, सो 5%, 10%, 15%, 20%, मोर देन 15 लाख, 30%, दिस इज द स्लैब रेट दैट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ द न्यू रेजिम। ठीक है, ओल्ड रेजिम में हमारा टैक्स रेट क्या था, वही 2.5-2.5 लाख, 0 से 2.5 लाख, 2.5 से 5, 5 से 10, एंड मोर देन 10, तो ऑब्वियसली इधर टैक्स ज्यादा आएगा, लेकिन इधर डिडक्शंस अलाउड रहेंगे। निल 5, 10, सॉरी 20, 30, दिस इज द रेट दैट वॉज द ओल्ड रेट, राइट? नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग द टैक्स, द नेक्स्ट स्टेप फॉर एनी कंप्यूटेशन, नेक्स्ट स्टेप फॉर एनी कंप्यूटेशन, फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड द रेट ऑफ द बेसिक टैक्स। सबसे पहले क्या निकालेंगे, बेसिक टैक्स। बेसिक टैक्स क्या होता है वो हमने बात करी, डायरेक्ट इनकम के ऊपर। देन यू हैव टू चेक वेदर सरचार्ज और रिबेट इज अप्लीकेबल। व्हाट इज सरचार्ज, सरचार्ज इज एन एडिशनल टैक्स ऑन द बेसिक टैक्स। अगर आपकी इनकम एक्सेसिवली हाई है, सरकार को लगता है आपकी इनकम एक्सेसिवली हाई है, आप पे सरचार्ज लगाया जाएगा। रिबेट, रिबेट इज अ काइंड ऑफ बेनिफिट टू द इनकम असेसिस जिनकी इनकम काफी कम है, तो इस पे बाद में आते हैं। पहले सरचार्ज, सरचार्ज इज एन एडिशनल रेट, तो अगर आपका सरचार्ज रेट सपोज 10% है और अगर आपका टैक्स जो है वो 40 लाख है,
तो आपका 10% का क्या हो जाएगा, सीधे सीधे सरचार्ज आपको देना पड़ेगा, दैट इज 40 लाख का 10%। वेन एवर देर इज सरचार्ज देर इज अ मार्जिनल रिलीफ दैट एप्लीकेबिलिटी यू हैव टू चेक। मैं हमेशा बोलती हूँ सरचार्ज और मार्जिनल रिलीफ बड़े भाई छोटे भाई जैसे हैं, जैसे बचपन में होता है ना, छोटा भाई जो भी होता है वो हमेशा बड़े ब्रदर या सिस्टर के साथ साथ ही घूमता रहता है। आप मतलब आपके ही फ्रेंड्स के साथ जाएगा, आपके ही चीजों में इंटरेस्टेड रहेगा, आप जैसे खेलोगे वैसे ही खेलेगा। सो दैट इज समथिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड। सरचार्ज गोज अलोंग, मार्जिनल रिलीफ गोज अलोंग साइड सरचार्ज। सो वेन एवर देर इज अ सरचार्ज यू हैव टू चेक कि मार्जिनल रिलीफ तो नहीं मिल रही है, अगर मिल रही है तो दे दो, नहीं मिल रही है तो मत दो, ठीक है। लेकिन चेक तो हर बार करना ही पड़ेगा, छूटना नहीं चाहिए। देन इफ द इनकम इज विद इन अ लिमिट, सपोज आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से तो ऊपर चली गई, टैक्सेबल लिमिट मतलब 2.5 लाख 3 लाख वट एवर, इससे तो ऊपर है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, मान लो 2.5 की 3 ही लाख हुई है, तो 50,000 पे टैक्स लग रहा है, लेकिन सरकार को लग रहा है कि यार 2.5 लाख से ऊपर है पर 3 लाख ही तो इनकम है, कौन सा बहुत ही करोड़पति है, तो ठीक है इसको बख्शते हैं, माफ कर देते हैं। क्योंकि क्या होता है जब आपकी इनकम कम होती है तो मेनी अ टाइम्स आपकी सेविंग्स वगैरह ऑलरेडी मुश्किल हो रही होती है, उस पर सिर्फ और टैक्स देना पड़ जाता है, तो उन्होंने रिलेट थोड़ा सा रिबेट दे दिया, दैट इज रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अगेन मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगी सारी चीजों को, बट आपको एक प्रोसेस बता रही हूँ। एंड देन लास्टली व्हाट एवर इज द अमाउंट यू विल कैलकुलेट सेस एट द रेट ऑफ 4%। तो अगर तुम्हारा टैक्स है 40 लाख, तुम पे मान लो सरचार्ज लग रहा है 10% से 4 लाख, तो 44 लाख का 4% विल बी द सेस दैट इज टू बी पेड। एंड अगर आपके ऊपर ये नहीं है, मान लो रिबेट है, तुम्हारा 10,000 का टैक्स आ रहा था उस पर तुमको रिबेट मिल गई, तो ऑब्वियसली जीरो हो गया, तो कोई भी सेस भी नहीं लगेगा। नाउ वेन एवर यू आर कैलकुलेटिंग द टैक्स, ये टैक्स आ गया, अब इसके बाद अगर कुछ TDS वगैरह की इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो अकॉर्डिंगली वो माइनस करके फाइनल टैक्स पेबल आपका निकल जाएगा ना। दिस इज द फ्लो ऑफ प्रोसेस हाउ इट गोज। नाउ वेन यू टॉक अबाउट टैक्स रेट इंडिविजुअल्स में, तो मैंने बताया इंडिविजुअल HF वगैरह में कि ये आपका BSE का रेट मैंने बता दिया। नाउ टॉकिंग अबाउट अदर SSEs, सो अदर SSEs के केस में डिपेंड करेगा कि आपका SSE जो है वो इंडिविजुअल है, HUF है, वॉट कैटेगरी ऑफ असेसी दैट पर्टिकुलर पर्सन फॉल्स इन। सो बेसिस ऑन दैट यू विल हैव टू कैलकुलेट द टैक्स रेट्स एंड अकॉर्डिंगली यू विल कैलकुलेट द टैक्स। सो इन केस ऑफ योर फर्म, पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म के केस में आपका जो रेट होता है दैट इज 30%। सो इफ यू आर हैविंग पार्टनरशिप फर्म, आपको 30% से उस पर टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट अगेन इफ यू आर कैलकुलेटिंग द टैक्स रेट ऑफ अ कंपनी, सो कंपनी के केस में आपका जो टैक्स रेट होता है द स्टैंडर्ड टैक्स रेट इन केस ऑफ कंपनी इज 30%। हाउएवर सो कंपनीज फर्म्स वगैरह के केस में क्या टैक्स रेट्स होते हैं, सो व्हेन यू टॉक अबाउट फर्म्स द टैक्स रेट ऑफ फर्म्स इज 30%। फर्म्स एंड LLPs द टैक्स रेट इज 30%। सिमिलरली वेन यू टॉक अबाउट द अदर असेसीज दैट इज कंपनीज एंड ऑल, सो कंपनीज के केस में आपका जो टैक्स रेट होता है दैट इज फ्लैट 30%, तो कि कोई बेसिक एग्जेम्पशन नहीं, कोई बेनिफिट नहीं, कंपनीज के केस में द टैक्स रेट इज 30%। नाउ अगेन कंपनीज में देर इज टू बाइफर्केशंस, सो इफ द कंपनी इज अ डोमेस्टिक कंपनी टैक्स रेट विल बी 30% एंड इफ द कंपनी इज अ फॉरेन कंपनी देन द टैक्स रेट विल बिकम 40%। इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी एक रिलैक्सेशन है, अगर आपका टर्नओवर जो है दैट इज लेस देन और इक्वल टू 400 करोर्स इन द प्रीवियस ईयर 2021-22 देन द टैक्स रेट विल बिकम 25% ऑफ द टोटल इनकम, ठीक है। तो अगर आपका टर्नओवर एक सर्टेन लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा तो योर टैक्स रेट इज रिड्यूस्ड, एक रिलैक्सेशन है कि ठीक है 25% पर ही टैक्स देना है, तो 30% फॉर डोमेस्टिक, अदरवाइज 25%। अपार्ट फ्रॉम दैट एज आई टोल्ड यू ऑल्टरनेटिव रेजीम्स है, बट दैट इन डिटेल विल बी डिस्कसिंग इन द सेकेंड पार्ट, कंपनी पार्ट जो है वो। सिमिलरली आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज के केस में स्लैब्स होते हैं, 10,000 तक देर इज 10% रेट, 10,000 से 20,000 तक की इनकम पे 20% रेट, एंड मोर देन 20,000 द रेट इज 30%। सो दीज आर द टैक्स रेट्स दैट आर एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल्स, HFs एंड ऑल दैट इज 115 BSE। देन यू हैव एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स रेट्स इन केस ऑफ फर्म्स, LLPs, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड इन केस ऑफ कंपनीज, डिपेंडिंग की कंपनी डोमेस्टिक है या फॉरेन है। नाउ टॉकिंग अबाउट द सरचार्ज एप्लीकेबिलिटी, सरचार्ज इज एप्लीकेबल इफ योर इनकम एक्सीड्स अ सर्टन लेवल, अ सर्टन लिमिट। सो अगेन डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से कैटेगरी में हो आपका सरचार्ज रेट चेंज होगा। इफ यू आर एन इंडिविजुअल HUF
एंड अदर कैटेगरीज ऑफ असेसीज हु इज ऑप्टिंग फॉर 115 बीएसी, देयर इज अ स्लाइट चेंज इन द रेट्स ऑफ सरचार्ज. सो इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर 115 बीएसी एंड इफ यू आर नॉट ऑप्टिंग फॉर 115 बीएसी, अकॉर्डिंगली योर सरचार्ज रेट विल चेंज. लेट अस डिस्कस व्हाट आर द सरचार्ज रेट्स एप्लीकेबल अंडर द डिफॉल्ट रेजिम्स. इन दिस केस देयर इज एन एक्सक्लूजन अदर देन एओपी कंसिस्टिंग ऑफ ओनली कंपनीज. अगर एओपी है और उसके सारे मेंबर सिर्फ कंपनीज हैं तो फिर सरचार्ज का रेट थोड़ा सा अलग है, बाकी सब लोगों के लिए कॉमन है. सो डिफॉल्ट रेजीम में द रेट ऑफ सरचार्ज इज अप टू 50 लाख, नो सरचार्ज. 50 लाख से ज्यादा बट अप टू 1 करोड़, इक्वल टू 1 करोड़ में भी 10% है, ध्यान रखना. मोर देन 1 करोड़ बट लेस देन इक्वल टू 2 करोड़ इज 15% रेट ऑफ सरचार्ज. एंड मोर देन 1 करोड़ बट सॉरी मोर देन 2 करोड़, इफ इट एक्सीड्स 2 करोड़ देन द रेट ऑफ सरचार्ज इज 25%. दैट्स इट, द मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज इन केस ऑफ ऑल्टरनेटिव रेजीम इज 25%. टॉकिंग अबाउट द इनकम्स अंडर द हेड 111A, 112 एंड 112A, द मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज कैन बी ओनली 15% इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रेजीम. ऑल्सो एओपी इफ इट कंसिस्ट ओनली ऑफ द एओपीज, मतलब जो उनके पास अगर सिर्फ वो है, मतलब कंसिस्टिंग ओनली कंपनीज एज मेंबर्स, देन उनके लिए जो सरचार्ज रहेगा द मैक्सिमम रेट शैल बी 15%. उसमें भी सरचार्ज का मैक्सिमम रेट शैल बिकम 15%. नाउ टॉकिंग अबाउट ऑप्शनल रेजीम एज पर द नॉर्मल प्रोविजन, मतलब आपका जो पुराना प्रोविजन था, बेसिक रेट्स बराबर हैं 10, 15, 25, लेकिन यहाँ पर एक और लिमिट है. सो वहां पर 2 करोड़ पे आके लिमिट क्लोज हो जाती है, यहाँ पर आपका मोर देन 2 करोड़ बट अप टू 5 करोड़ 25% है, एंड मोर देन 5 करोड़ सरचार्ज रेट इज 37%. ओके, सो दिस इज अ डिफरेंस इन द ओल्ड एंड द न्यू रेजीम सरचार्ज रेट्स. नेक्स्ट, अगेन 111A, 112 इनके केस में मैक्सिमम रेट विल बी 15%. सिमिलरली एओपी इफ इट कंसिस्ट ओनली कंपनीज एज मेंबर्स, एज आई टोल्ड यू, मैक्सिमम रेट विल बी 15%. तो 15% वाला जो स्लैब है आपका 1 करोड़ वाला, उसके बाद कोई स्लैब नहीं है, 15% से ज्यादा का सरचार्ज नहीं लगेगा. इन केस ऑफ फर्म एलएलपी 12% विल बी द रेट ऑफ सरचार्ज. कोऑपरेटिव सोसाइटीज 1 से 10 करोड़ 7% एंड मोर देन 10 करोड़ 12%. सेम एज डोमेस्टिक कंपनी, सो डोमेस्टिक कंपनी मोर देन 1 करोड़ बट अप टू 10 करोड़ इट इज 7%, मोर देन 10 करोड़ इट्स 12%. फॉरिन कंपनीज मोर देन 1 करोड़ बट अप टू 10 करोड़ 2%, मोर देन 10 करोड़ 5%. सो स्लैब रेट है कंपनीज के सेम 1 से 10 और मोर देन 10, बट रेट अलग अलग है, 7, 12 और 2, 5. ठीक है, दिस इज सरचार्ज. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मार्जिनल रिलीफ, मार्जिनल रिलीफ के केस में आपको एक्चुअली ये चेक करना होता है कि आपकी जो एडिशनल इनकम है, मैं स्टेप्स आपको बता देती हूँ, व्हाट इज द स्टेप टू कैलकुलेट मार्जिन रिलीफ. यू हैव टू चेक दैट एप्लीकेबिलिटी ऑफ सरचार्ज की वजह से अगर आपके ऊपर एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी आ रही है तो उसकी आपको क्या मिल जाती है, मार्जिनल रिलीफ. सो सपोज आपकी इनकम बढ़ रही है मान लो 5,000 रुपए से, और अगर आपका जो टैक्स बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ सरचार्ज दैट इज इंक्रीजिंग बाय 10,000. सो इफ योर इंक्रीज इन टैक्स इज मोर देन द इंक्रीज इन इनकम बिकॉज ऑफ सरचार्ज और बिकॉज ऑफ चेंज इन द रेट ऑफ सरचार्ज की 10 से 15 में चले गए या 15 से 25 में चले गए, तो फिर आपके ऊपर मार्जिनल रिलीफ आपको अलाउबल रहेगा. सो यू विल हैव टू कंप्यूट. लेट से अगर हम 50 लाख वाले स्लैब की बात करें तो एग्जैक्ट 50 लाख पे आपको कोई सरचार्ज नहीं है. 50 लाख 10,000 अगर तुम्हारी इनकम हो गई या 51 लाख तुम्हारी इनकम हो गई तो 10% का सरचार्ज आ गया. नाउ यू विल कंपेयर कि अगर एग्जैक्ट 50 लाख पे थे तो कितना टैक्स था, अगर एग्जैक्ट 51 लाख पे है तो कितना टैक्स है, और इन दोनों का डिफरेंस कंसिडरिंग द एप्लीकेबल सरचार्ज, अगर ये डिफरेंस तुम्हारी टैक्स लाइबिलिटी से ज्यादा इनकम से ज्यादा है तो इनकम कितने से बढ़ी, 1 लाख. अब अगर ये जो डिफरेंस है वो मान लो 1,02,000 आ रहा है तो 2,000 का आपको क्या मिल जाएगा, मार्जिनल रिलीफ. सो वेन एवर देयर इज सरचार्ज एंड जरा सी इनकम बढ़ रही है अगर, तो मोस्टली मार्जिन रिलीफ हो जाता है, तो आपको मार्जिन रिलीफ का कंप्यूटेशन भी चेक कर लेना पड़ेगा. ठीक है, लास्टली रिबेट अंडर सेक्शन 87A, इन केस ऑफ ओल्ड रेजीम 115 BAC नहीं है अगर, तो 5 लाख की इनकम तक रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को रिबेट मिलता है टैक्स पेबल और 12,500 विच एवर इज लोअर, एंड इन केस ऑफ 115 BAC द लिमिट हैज बीन इंक्रीज बाय टू 7 लाख्स. अप टू 7 लाख अगर आपकी इनकम है बींग रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, टैक्स पेबल और 25,000 विच एवर इज लोअर आपको रिबेट मिल जाएगा.
87A is not allowed from the income under 112A, that is to be kept in mind. And if you are having rebate, आप माइनस करोगे और बची हुई इनकम पे सेस. सो इफ यू आर हैविंग टैक्स सरचार्ज रिलीफ सेस टैक्स रिबेट सेस, सेस लास्ट में लगाना है, वो याद रखना है. ये ऑर्डर जरूर फॉलो करना है, ऑर्डर आप लोगों को मिस आउट नहीं करना है. कभी कभी हम लोग सरचार्ज भूल जाते हैं, कभी रिलीफ भूल जाते हैं, इसीलिए मैंने वो ऑर्डर आपको बताया दैट हाउ आर यू सपोज टू कैलक्युलेट द इनकम. सो बेस्ड ऑन द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ असेसीज आपका जो रेट है वो चेंज होगा एंड अकॉर्डिंगली आपको एप्लीकेबिलिटी देखनी है. इन केस ऑफ न्यू रेजीम 7 लाख के बाद भी मार्जिन रिलीफ का कॉन्सेप्ट है सिमिलर टू सरचार्ज, सो दैट इज ऑल्सो केप्ट इन माइंड. सो इस तरीके से आप इनकम और टैक्स कैलकुलेट करोगे. दीज आर द डिफरेंट टैक्स रेट्स दैट आर एप्लीकेबल. इन केस ऑफ एनी डाउट्स फील फ्री टू डिस्कस, सॉल्व द लॉट ऑफ क्वेश्चंस, अच्छे से प्रैक्टिस करें एंड कहीं पर भी आपको कोई भी दिक्कत आती है फील फ्री टू डिस्कस. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस. डू योर बेस्ट.